अरे यार कोई एसी चला दो यार। अरे घर में हाय गर्मी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल दी विस्कीपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। गाइस, थोड़े दिनों से गर्मी ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई हुई है नॉर्थ इंडिया में। 3-4 दिनों से इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि विस्की की तरफ देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बडवाइजर मैग्नम बियर की, ये एक्चुअल में मैंने कल बनानी थी, लेकिन भाई मैं एक ऐसी स्टेट में रहता हूँ पंजाब में जहाँ पे इतने ज़्यादा पावर कट्स लग रहे हैं, कल सारा दिन हमारे स्मार्ट सिटी जलंधर में बिल्कुल भी लाइट नहीं आई, जिस वजह से ये जो वीडियो है ये डिले हो गई और आज मैं जुलाई की 1 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बडवाइजर मैग्नम आप सबके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली बात यार, बोतल इतनी ज़्यादा चिल्ड है, इतना मन मेरा कर रहा है कि मैं रिव्यू को छोड़ूं, फटाफट से इसकी बोतल ओपन करूं और फटाफट से पी लूं। तो मैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरी जो बोतल है वो भाई गर्म हो रही है और अगर ये गर्म हो गई तो इसको पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसको जो कंपनी बनाती है ये है AB InBev, और ये जो बियर है ये अमेरिका की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बियर है। हालांकि ये जो मैग्नम वेरिएंट है आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इंडिया के लिए ही स्पेशली लॉन्च किया गया था, क्योंकि भाई हम इंडियंस को हर एक चीज़ स्ट्रांग चाहिए, दारू में नशा भी पूरा भर के चाहिए और बियर में भी नशा पूरा भर के चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ये नशे वाली बियर हम सब लोगों के लिए लॉन्च कर दी थी और इसने इतनी अच्छी मार्केट कैप्चर कर ली, लोग इसको बहुत ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। इसमें जो अल्कोहल स्ट्रेंथ पाई जाती है ये 6.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे कई लोग पूछते हैं कि सर कोई ऐसी बियर बताओ जिसमें एडिड शुगर बिल्कुल भी ना डाली गई हो। तो दोस्तों, बडवाइजर मैग्नम में बिल्कुल भी एडिड शुगर नहीं डाली गई है। इसमें राइस का यूज़ किया गया है, मॉल्टेड बार्ले का यूज़ किया गया है, ईस्ट का यूज़ किया गया है और होप्स का यूज़ किया गया है। तो अब मैं इसका टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ आपको पीने में ये कैसी है, और साइड बाय साइड प्राइस की बात कर लेते हैं कि किस प्राइस रेंज में ये पंजाब में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये 650 ml की बॉटल है और ये मुझे मिली है 280 rupees की। 250 से लेके 300 rupees में ये मिल जाती है पंजाब में। ये जो प्राइस है ये डिफर कर सकता है सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट। अब जल्दी से इसको करते हैं ओपन और पोर करते हैं अपने ग्लास में। तो चलिए दोस्तों, ओपन करते हैं अपनी बियर को। इतनी देर में प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से 20K करवा दो यार प्लीज। कलर इसका बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, एक गोल्डन कलर है इसका, कलर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस, ये जो डार्क कलर की बॉटल्स होती हैं ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनमें सनलाइट का कॉन्टैक्ट इतना नहीं होता, इस वजह से जो बियर होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसका कलर बहुत ही प्यारा कलर है, एक गोल्डन कलर है, और जो इसकी फ्रोथ बनी है वो भी अच्छी खासी फ्रोथ बनी है। इसमें एडिट जो है वो चावल डाले गए हैं एडजंक्ट्स के रूप में, तो इस हिसाब से इसका टेस्ट काफ़ी उभर के बाहर आएगा। यही चीज़ मैंने लास्ट में फोस्टर में देखी थी, तो मैं देखता हूँ कि फोस्टर स्ट्रॉन्ग इससे ज़्यादा बढ़िया है या इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। चीयर्स। बहुत ही अच्छी इसमें से होप्स की खुशबू आ रही है एंड गुड अमाउंट ऑफ मॉल्टीनेस इसमें मिल रही है, तो नोजिंग के मामले में बहुत प्लेजेंट है, काफ़ी रिच नोजिंग है इसकी, काफ़ी अच्छे नोट्स आ रहे हैं। तो अब जल्दी से करते हैं इसका टेस्ट। चीयर्स। टेस्ट के मामले में बहुत ही अच्छी है, बिटरनेस बहुत ज़्यादा माइल्ड है,
इसमें हल्का हल्का सिट्रसी फ्लेवर मुझे मिल रहा है, बिल्कुल माइल्ड सा। और इसमें जो मैं बोलूँगा ये पंच है, आपको कार्बोनेशन का पंच मिलेगा, वो बिल्कुल माइल्ड मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। काफ़ी अच्छी एक माउथ फील आ रही है इसमें। इतनी ज़्यादा कोटिंग नहीं दे रही है ये माउथ में, बहुत इजीली नीचे जा रही है। मैं बोलूँगा ये एक मीडियम बॉडीड बियर है, मुझे पीने में काफ़ी अच्छी लगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बियर पी रहा हूँ। बिटरनेस जो होप से आती है वो बिल्कुल माइल्ड है, लास्ट में बिल्कुल भी एक कड़वापन मुझे नहीं दे रही। तो दोस्तों मुझे पीने में बहुत अच्छी लगी। आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा अकॉर्डिंग टू प्राइस टेस्ट एंड क्वालिटी, भाई वो दूंगा 8.9 out of 10, क्योंकि मुझे पीने में बहुत अच्छी लगी, वैल्यू फॉर मनी है। हालांकि पंजाब में इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे हिसाब से, अगर ये 230 या 240 की रेंज में मिल जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।